Not to the family, but I have a friend who's a brilliant actor, but also I think he's a brilliant director. So I, मतलब उसको मैंने directly ऐसा नहीं बोला कि तू ये छोड़ दे, but I keep telling him that you know there's a great director inside you, so I think work on that, उसको बाहर निकाल, and eventually he has directed something so beautiful which will be coming out soon. बहुत मेहनत लगी, honestly I think 2 साल की training रही थी. मिली या गुड लक जेरी के प्रमो मिली के वक्त मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी. 2 साल लग गए और हमारे निर्देशक जो है वो काफ़ी प्योरिस्ट, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और वो चाहते थे कि मैं पूरी तरह से क्रिकेटर बन जाऊं. वो किसी तरह की चीटिंग नहीं करना चाहते थे कि VFX में डाल देंगे या आधा अधूरा काम. वो पूरी तरह से चाहते थे कि मैं इस दुनिया में मिल जाऊँ, जुड़ जाऊँ. काफ़ी इंजरीज भी हुए, मेरे दोनों शोल्डर्स डिसलोकेट हो गए, लेकिन पूरा क्रेडिट इनको जाता है, मेरे 2 कोचेस को जाता है, अभिषेक नायर और विक्रांत सर, जिन्होंने इतनी मेहनत की है. और हर मोड पर मुझे ऐसे लगता था कि अरे यार गिव अप करना चाहिए, नहीं हो रहा है, मतलब मेरी बॉडी गिव अप कर रही थी. लेकिन देयर बीन लॉट ऑफ पार्टनर्स थ्रू द मेकिंग ऑफ द फिल्म. And at, like number one person is going to be Karan sir, who I wish he was here today. He's not in the city. It's really his vision and blessings that have kind of given us the energy to create Mr. and Mrs. Mahi. 2 of my key partners are right here. I'm so happy that they are here, Raj and Janvi, who really brought all their magic, all their effort, all their passion, purity to this film. And hence we've kind of landed up at this trailer. ऐसा इंसान जो कि मेरे सपनों को अपना सपना बना दे, जो कि मुझे हिम्मत दे, मुझे बढ़ावा दे, मुझे खुशी दे, मुझे हंसाए, और जब मैं रोती हूँ तब भी मेरा साथ दे, ऐसा कोई इंसान चाहिए मुझे. एक्सपीरियंस गानों के आवाज़ गाना बड़ा अच्छा लगा हमें पंजाबी. थैंक यू सो मच सर. ये 2 जादूगर इधर ही बैठे हैं, जानी और फैज. बहुत प्यारा गाना है, मेरा भी बहुत फेवरेट है. हम सुन सुन के बड़े हुए हैं इस सॉन्ग को, और उसको इतना इतना अच्छे से उसको एक नई आवाज़, एक नई कंपोजिशन दी है जानी ने. फैज़ ने इतना सुंदर गाया है, और मुझे पता है लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस गाने का, तो बहुत जल्दी आने वाला है बाहर. सो म्यूज़िक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. आई थिंक हिंदी फिल्म में म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं हर कहानी का, कहानी को आगे लेके जाने का. जो हमारी फिल्म में जिस तरह का म्यूज़िक है वो कहानी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है. गाने का प्रोसेस आपको क्यों लगा कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगी? तो था नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी प्रोसेस में, बस शूट के प्रोसेस में इन्वॉल्व थी मैं. गाने के प्रोसेस में जानी सर यहाँ बैठे हैं और फैज़ भी यहाँ है, जिन्होंने जादू किया है इस गाने के साथ. तो प्रोसेस का सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए. ऑफ कोर्स उनकी बहुत याद आ रही है, वो भी आई थिंक आई नो ही विशेस ही वाज हियर बिकॉज आई नो हाउ मच ही बिलीव्स इन द फिल्म एंड हाउ मच ही वांटेड टू बी हियर. सो या आई नो दैट ही इज़ कमिंग बैक सून, और जब वो आएंगे तो आपको उनका सपोर्ट दिख ही जाएगा. वो चिल्ला चिल्ला के सपोर्ट करेंगे हमें. अभी फ़िलहाल वो थोड़े से बिजी है अपने काम में, लेकिन हमें ये फिल्म रिलीज़ करनी थी अभी और प्रमोट तो करनी है, तो इसलिए हम आज यहाँ उनके बिना आ गए, लेकिन वो जल्द हमारे साथ होंगे. And his blessings are there with us today, and his presence is also there in the song. You should not forget of that. Of course. पंजाब से हूँ तो मेरी इंग्लिश का आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए. इंग्लिश आती नहीं है तो हिंदी में बात की जाएगी. तो हम एक दिन ऐसे सुन रहे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी आप सबको पता है कि बहुत ही बड़ी फिल्म का, बहुत ही बड़े गाने का बहुत ही प्यारा अंतरा था. शावा शावा गाना आपको सबको पता है. तो मैं और अजीम भाई एक दिन बैठे थे और हमने सोचा कि यार ये काश अगर ये गाना थोड़ा सा और बड़ा होता कैसे हो सकता था, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा था जितना वो पार था देखा तेन पहली बार. तो फिर हमने सोचा कि यार
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।